इस वक्त पूरा देश कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है। हर शहर, हर गली मोहल्ले में वायरस संक्रमित सैकड़ों मरीज मौजूद हैं। हर दिन अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स का यही कहना है कि कोरोना के 80% से ज़्यादा मरीज घर में यानी होम आइसोलेशन के जरिए ठीक हो रहे हैं। लिहाजा कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही तुरंत अस्पताल जाने की हड़बड़ी ना दिखाएं। हालांकि कोरोना से ठीक होने के बाद भी एक समस्या है जो मरीजों को परेशान कर रही है, वो है कमजोरी। ऐसे में पोस्ट कोविड मरीजों को खाने पीने के साथ कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें कमज़ोरी से उबरने में मदद मिले। आप चाहें तो अनार, मौसमी, सेब, पपीता, नारंगी जैसे फल खाने के साथ ही इसका जूस भी पी सकते हैं। इससे भी शरीर की कमज़ोरी दूर करने में मदद मिलती है। रोज़ रात सोने से पहले दूध ज़रूर पिए। दूध हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ ही कमज़ोरी दूर करने में मदद करता है। सब्जियों का सेवन तो शरीर के लिए ज़रूरी ही है, आप चाहें तो सब्जियों का जूस भी पी सकते हैं। हाई प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर चीज़ों को डाइट में शामिल करें। साथ ही ऐसी चीज़ें खाएं जिन्हें पचाना आसान हो ताकि पहले से कमज़ोर शरीर को भोजन पचाने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। कोविड पॉजिटिव मरीजों को डॉक्टर जो मल्टी विटामिन विटामिन सी और जिंक की गोलियों की सलाह दे रहे हैं, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के तुरंत बाद इन दवाइयों के सेवन का बंद ना करें। डॉक्टर से सलाह लेकर कुछ दिनों तक मल्टी विटामिन का सेवन जारी रखें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।